चर्चा है या कि जो साथी कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है, सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना, और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है, और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना जाता है। तो अगले दो तीन दिन ऐसे दो साल सिलसिला चलेगा, और हमारा कोशिश होगा कि दो तीन दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर देना। 2015 में सुशील रविदास की पार्टी छोड़ रहा है, साफ दे रहे हैं। नहीं, आप सबको 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा पार्टशीट हुआ है, अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और सिराज पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं दिया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशू से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा, और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, कल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा, हम लोग तैयार बैठा हूं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है, उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। सर थोड़ा कैमरा में भी देख, हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है, चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। वो अक्कल अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है, तो वो तो झारखंड से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है, हमारा आशू से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है, चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने के बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है, कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू होगा। तो आप एक ही साथ सारे कैंडिडेट का लिस्ट निकाल, लगभग मन में यही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी यह होता है एक और दो सीट में, मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाए। तो कांग्रेस ने 6,000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100, फिर कांग्रेस ने अनंत फनन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6,000 रूपया देगा, लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगोदीदी स्कीम 7,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए, और कैबिनेट का सपन होगा वही शाम से गोगो डीजी स्टार्ट हो जाएगा, हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट पर शीर्ष करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है,
तो फर्क क्या पड़ेगा।